We've been negotiating now for close to four years, uh, and the first step of that is what we call disengagement, which is that their troops go back to their normal operating bases and our troops go back to our normal operating bases. Made some progress. Uh, I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. A big victory for India. Why? Well. खुशखबरी आ गई है चीन ने खुद अपने मुंह से यह बात कबूल कर ली है कि उसने गलवान घाटी समेत लद्दाख के चार क्रूशल प्वाइंट से अपनी सेना हटा ली है ये चाइना को अचानक सांप क्यों सु हुआ क्या

डिसंगेजमेंट हो गई है तो डिएस्किलेट हो गया ना कि वो ठंडा हो गया मामला ऐसा भी नहीं हुआ कि वो वापस विड्रॉल हो गया कल यानी कि तेरह सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि चार पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए हैं नमस्कार दोस्तों जय हिंद आखिरकार चीन को भारत के सामने चार साल बाद झुकना ही पड़ा खबर निकलकर कर ये सामने आई है कि चीन ने अपने टुप्स को पीछे कर दिया है चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार 13 सितंबर को खुद स्वीकार किया है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी समेत चार स्थानों पर सैनिकों की वापसी हुई है चीन के विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत चार बिंदुओं ऐसी से अपने सैनिकों को पीछे हटाने का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को कहा की भारत और चीन ने रूस में अपनी बैठक के दौरान टर संबंधों को सुधारने के लिए मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की है भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है हालांकि दोनों पक्षों ने टकराव वाले कई बिंदुओं से अपने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है जून दो में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई थी ये दशकों के बाद दोनों पक्षों के बीच हुआ सबसे बड़ा गंभीर सैन्य संघर्ष था भारत का रुख स्पष्ट था की जब तक सीमा आरोप शांति नहीं नहीं होगी चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते यही वजह है कि आज चीन भारत के सामने झुक गया है इंडियन फोरम मिनिस्टर हैं जयशंकर वो आ, मेरे ख्याल से स्विट्जरलैंड में थे एक जी जगह पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस नहीं थी लोग मौजूद तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि 75% जो इलाका है हमारा चीन चाइना के साथ जो पे تنازع چل رہا ہے 2020 से तो वो जो है वो मसला हल हो गया अच्छा फिर चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाक़ा है वहाँ पे चार जगह चार जगहों पे डिस हो गई है गलवान वैली समेत अच्छा अब अगर वहाँ को हम देखें तो आ, अगर हम उसका ये देख सकें जो नाइन्थ है जी। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि ये इनके थे ना इनिशियली जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे तो गलवान वैली उसमें से एक था अच्छा अब मुझे इसमें पेंगोंग सू के ऊपर डिसंगेंजमेंट 2021 में हो चुकी है ठीक है पेंगोंग सू का जो इलाका है उस पर दो में हो गई थी और ये मैं यहाँ द हिंदू कोट कर रहा हूँ सिक्सटीन स्लाइड इनिशियली ठीक है तो ये जो है ये पेंगोंग सू पे हो गई थी अच्छा उसके बाद जो है वो दूसरा जो इलाका था वो मेरा ख्याल है कि गोगरा और हॉट स्प्रिंग के ऊपर भी ये हेलेट को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर भी हो गई थी डिसंगेजमेंट अच्छा और अभी डिसमेंट का वर्ड जो है ये चाइना की प्रेस रिलीज़ में नहीं है आ, इंडिया की तरफ से बात की गई है लेकिन बहरहाल असल जो चीज़ है इसमें वो ये है कि डिस को आप कैसे उसको पढ़ते कैसे हैं आप मतलब वो इसका मतलब क्या है डिसंगेजमेंट का मतलब है कि डिसंगेजमेंट का मतलब इसको इस तरह से जिस तरह हम बात कर सकते हैं कि किसी ने अपना लैंड गालिबन चाइना ने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा होगा वो तब वो जो होता है ना कि एक दूसरे को सामने बैठ के घूर रहे हैं तो वो भी फौज अपनी जगह फौजें खड़ी होती हैं और डिसंगेज से मुराद ये कि मेरा ख्याल है कि एक तो डीएसकलेट हो गया ना कि वो ठंडा हो गया मामला ऐसा भी नहीं हुआ कि वो वापस विड्रॉल हो गया मतलब वो डिसंगेजमेंट को का मतलब ये है अब मुझे भी नहीं पता क्या मतलब होता एग्जैक्टली तो कैसे बताया भाई का मतलब ये है कि वो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि वो इलाका छोड़ के चले गए अपना या जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स से मुख्तफ इंडिया उसमें आगे आ गया है वो मुझे डिस का मतलब है डीएसकलीशन कह सक मतलब इसको डीएसकलीशन कहा जाए और वो पीछे हट गए हैं डी डिस का मतलब है अच्छा अब उसमें ये ये बहुत अच्छा है एक्सेलेशन तो नहीं हो रही ना कम से कम लेकिन फौजें दोनों तरफ के अलर्ट होंगी क्योंकि ये वो सूरत हाल थी जो जिसके ऊपर मैंने 2017-18 में कहा था कि दुखलाम के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है अब उस वक्त बड़ी एक होता है ना कि वो एक अजीब सी बात लग रही थी तो मैंने कहा था कि नहीं दुखलाम के ऊपर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वहाँ तो मैंने ये उसके बाद ये बात की थी जिसके ऊपर काफ़ी मतलब एक अजीब सा था कि मैं मैं कहता कि नहीं आप इसको ये गड़बड़ है ये दुखलाम मसला आगे बढ़ेगा और वो हुआ वो कोविड के दिनों में जो है जैसी कोविड वगैरह के अनाउंसमेंट हुई तो, तो क्योंकि ये वो आ, इलाका है जिसकी कोई डिमार्केशन ही नहीं ये वो है मैकमोहन बना के चले गए ना वही मैकमोहन जो आगे जाके इजिप्ट में पहुंच गए थे वो ये ड्रॉ करके चले गए तो ये तो इलाका और ये वो है जो कि पूरा इलाका जो चेयरमैन माओ की जो आ, है कि ये फाइव फिंगर्स ठीक है और वो जो है उसमें उसमें ये सारे इलाके आते हैं ठीक है तिब्बत भूटान ये सारे अरुणाचल प्रदेश तो ये तो उनकी एक एक मतलब लद्दाख से आप शुरू करें और ये मतलब आप समझ लेना ना कि ये उनका आ, मतलब ये उनका उसी तरह से जैसे ताइवान है मतलब आप ताइवान की तरह समझ लें या आप तिब्बत को जैसे वो मतलब आप समझ लें कि ये उस तरह से उनका एक तयशुदा बात है कि उन्होंने लेना है उन्होंने लिया एक इलाका तो ले लिया उन्होंने बरतानिया से हॉन्गक हांगकॉन्ग चाइना ने ले लिया बरतानिया से ठीक है तो बात यह है कि वो इसी तरह से ताइवान भी उन्होंने लेना है और ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने कहना है कि जी नहीं लद्दाख उन उनका है देखिए वो साउथ चाइना सी में कभी टेंशन बढ़ती है कभी टेंशन कम हो जाती है कभी वो बढ़ती है कभी वो लेकिन वो जो है नाइन डैश लाइन उसके ऊपर वो फिलपीन आगे पीछे हैं चाइना जो है वो पीछे नहीं जाएगा वहां से कभी भी वो डीएस्केलेशन हो सकती है जरूर ठीक है डिस्प्यूटेड वाटर है कैसे क्या खबर आई है कि 12 तारीख को वांग यी से मिलते हैं भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब देखिए मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं जो हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूं Uh, ये मेरी तरफ से कोई आप मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं आप मैं आपको सिर्फ टाइमलाइन बता रहा हूं राइट right? कल यानी कि तेरह सितंबर को चाइना ने अनाउंस कर दिया कि चार पॉइंट से हम लोग पीछे हट गए अचानक सांप क्यों सूंगा ये हुआ क्या ठीक है देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी बारह सितंबर को बात करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट आपको पता है ब्रिक्स चल रहा है सेंट पीटर्सबर्ग वहां पे ये लोग बात करते हैं और बॉर्डर कंसल्टेशन जो हुए हैं उसका जायजा लेते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन निंग ने मीडिया को 13 सितंबर को बोला कि भाई साहब दोनों फौजों को ये रियलाइज हो गया है कि चार एरिया से हमें डिसंगेज करना है अचानक रियलाइज हो गया दोनों फौजों को मैंने बात करी एक दो लोगों से जो वहां पर गलवान साइड में पोस्टेड थे उन्होंने यह बताया साहब कि देखिए हमारे लिए मुश्किल तो है लेकिन चाइनीज के लिए ज्यादा मुश्किल है चाइनीज फौज को आदत नहीं है